आप देख रहे हैं बी न्यूज। खबर गांव की हो, खबर शहर की हो, खबर पूरी दुनिया की हो, हम आपको दिखाते हैं हकीकत। तो बने रहिए इस चैनल के साथ। सब्सक्राइब कीजिए बी न्यूज चैनल को और सबसे पहले ताजा खबर जानने के लिए इस बेल आइकन को भी दबाएं। नमस्कार, मैं हूं ब्रजेश कुमार सिंह। आज मैं आपको बताने वाला हूं देवरिया उपचुनाव को लेकर कुछ खास खबरों के बारे में। जहां आज देवरिया उपचुनाव को लेकर दो प्रत्याशी अपना नामांकन कर सकते हैं। वही आपको बता दें कि बहुजन समाज पार्टी से भी आज नामांकन हो सकता है। और देवरिया में धमाकेदार पर्चा खरीदने पहुंचे अर्थी बाबा भी आज अपना नामांकन कर सकते हैं। तो आज हमने अर्थी बाबा से कुछ बातचीत की, आइए देखते हैं अर्थी बाबा ने क्या कहा। नमस्कार, मैं हूं ब्रजेश कुमार सिंह और आप देख रहे हैं बी न्यूज। आज मैं आया हूं देवरिया के एक ऐसे प्रत्याशी जिन्होंने देवरिया में एंट्री करते ही सुर्खियों बने, मीडिया की सुर्खियां बने, क्योंकि उन्होंने कुछ इस तरीके से पर्चा खरीदने गए जहां देवरिया के मीडिया की सुर्खियां बने, जिनका नाम था राजन यादव उर्फ अर्थी बाबा। आज हम उनसे मिलेंगे और जानेंगे उन्होंने क्यों अर्थी पर बैठकर देवरिया में पर्चा खरीदने गए। अब उनकी पर्चा दाखिला यानी नामांकन करने वाले हैं, अब किस धमाकेदार किस तरह से नामांकन करेंगे, ये उनसे बात करते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं अर्थी बाबा उर्फ राजन यादव जी। आप जो देवरिया में धमाकेदार एंट्री किए, आपका क्या रहा था कि अपने अर्थी को बैठ के देवरिया में पर्चा खरीदने पहुंचे थे? देखिए, मैं देवरिया के उपचुनाव में पर्चा भरने मैं अर्थी पे बैठ के आया। इसलिए आया क्योंकि जो भारत की जो राजनीति है वो मर चुकी है, जो व्यवस्था की है सिस्टम है वो भी मर चुका है, जो ये भ्रष्ट नेताओं का जो भरोसा है वो भी मर चुका है। इसीलिए वो सारी भ्रष्टाचार का वो अर्थी मैं निकाल के ही लेके आया, देवरिया चुनाव लड़ने आया। देखिए, जो यहाँ के किसान हैं आज वो भूखों मर रहे हैं। कारण है कि देवरिया में 5 चीनी मिल होती थी, जिसमें से 4 चीनी मिल बंद हो गई है, बस एक ही चीनी मिल प्रतापपुर की चल रही है, वो भी समय से कभी भुगतान नहीं करती है। देवरिया में लगभग जितने भी पशु पालन के लिए ये इलाज करने के लिए उनके लिए एक अस्पताल होते हैं हर जगह, लेकिन कोई भी अस्पताल सही से नहीं चल रहा है। सारे अस्पताल जर्जर हैं, ना तो कोई डॉक्टर है, ना वहाँ कोई दवाई की व्यवस्था है, वहाँ की फसलों का ना सही टाइम से मुआवजा मिलता है, ना तो गन्ना किसानों का पूरा पैसा मिलता है। देखिए, जो गन्ने का बीज खरीदारी होती है वो बहुत महंगा है, गन्ने का जो पैसा मिलता है वो समझ लीजिए बहुत कम रेट है, जिस हिसाब से वो बीज का रेट है, किसान परेशान है। वहाँ पे ना तो कोई अच्छा हॉस्पिटल है, अभी मेडिकल कॉलेज जो भी मैंने मुद्दा उठाया था आज वो तैयार है बनने के लिए, लेकिन अभी तक बना नहीं है, वो भी लेट किया जा रहा है। देखिए, देवरहो बाबा की धरती है, देव लोगों की धरती है देवरिया, जो कि वहाँ पे आश्रम बनना चाहिए, आश्रम के साथ वहाँ पे कृषि विश्वविद्यालय बनना चाहिए, वहाँ पे एक बहुत बड़ा पर्यटक स्थल बनना चाहिए। यदि मैं ये चुनाव जीतता हूँ तो मैं देवराव बाबा के आश्रम पे वहाँ पे विश्व का 5वां धर्म धाम बनाएंगे, जैसे 4 धाम है यहाँ पे देवराव बाबा का 5वां धाम बनाएंगे। और देखिए, यहाँ देवरिया के लोग जब भी कोई बड़ी बीमारी होती है गोरखपुर भाग के जाते हैं, मेडिकल कॉलेज ही गोरखपुर के जाते हैं। देवरिया बन रहा है लेकिन जब तक बनेगा तब तक लोगों का इलाज अभी तक तो जितना है वहीं रहा है। मैं हमेशा मेडिकल कॉलेज पे आम जनता के लिए लड़ाई लड़ते आया हूँ, जब भी यहाँ कोई जाता था जूनियर डॉक्टर मार देते थे, उसकी सारी लड़ाई मैं लड़ता था, स्वास्थ्य से लेकर हर चीज़ का। अभी बहुत सारे देवरिया के ऐसे लोग हैं जिनका चोरी चोरा चीनी मिल जो सरदार नगर का है उसका बकाया है, कई किसान मर गए लेकिन अभी तक भुगतान नहीं हुआ। देखिए, अभी तो ये सब यही चीज़ें हैं, क्या किया जाए। सरकार का ऐसा सिस्टम है कि जो मोटरसाइकिल से आम मजदूर कहीं मजदूरी करने जाता है, आम आदमी कहीं जाता है, तो सरकार ने टारगेट लगा दिया है आरटीओ को कि उनका चालान मारो और हमको पैसा वसूल के दो। आम आदमी 300 रुपया कमाएगा नहीं डेली 200, और वो चालान में 2000 रोज भर के आएगा, तो ऐसे कैसे आप क्या करने वाले हैं? हम ऐसा ये करना चाहते हैं कि जितने मोटरसाइकिल वाले हैं वो सारे लोग हमारे समर्थन में आए। अगर किसी का भी चालान हुआ है मैं जीत के जाता हूँ,
तो अगर इनका चालान हुआ तो मैं विधानसभा में किसी की भी गाड़ी वहाँ विधायकों की नहीं चलने दूंगा, किसी भी विधानसभा को चलने ही नहीं दूंगा। मैं वहीं पर ताला लगा दूंगा कि आम जनता की वसूली करोगे, यहाँ आके झूठ बोलोगे, तो ये सब सरकार। सरकार चालान नहीं वसूलेगी तो आम लोग तो ऐसे हेलमेट लगा के नहीं घूमते, लेकिन सरकार जो भी हेलमेट है जो भी चालान काटती है लोगों की सुविधा के लिए कर देगी। लोग इस चालान के डर से इस तरह की मना हरकत करें, उनकी फैमिली सुरक्षित रहे। अगर कहीं रोड पर एक्सीडेंट हो जाती है तो हेलमेट की वजह से बहुत जगह लोग बच गए हैं। तो इस तरह से अगर लोग को ऐसे ही होगा तो हेलमेट नहीं पहनेंगे तो आप किसी तरह से बढ़ावा नहीं दे रहे हैं? देखिए, अब आई बात हेलमेट की तो मैं बताता हूँ। हेलमेट आता है 700-800 का, चालान होता है 2000 का। अरे भाई, चालान के जगह तुम हेलमेट दे दो, उसको कहो कि भाई अब चालान कर रहे हैं पैसा जमा करो, पैसा उठा के तुम दूसरे मत में ले जाते हो। अरे उसको हेलमेट खरीद के दे दो, और हेलमेट अगर इतना वो है तो सारे जितना सरकारी कर्मचारी हैं देखिए बिना हेलमेट के ही घूमते हैं। पहले अपने अगर किसी की पब्लिक की मौत की इतनी चिंता अगर होती तो बीमारी के लिए अस्पताल बनाते हैं। जो भी एक्सीडेंट होता है अगर हेलमेट लगा के भी आता है तो क्या हो कि सारे बाकी शरीरें जो कुचल जाती हैं हेलमेट के बाद भी लोग मर जाते हैं, लेकिन कहीं ट्रामा सेंटर का इनकी व्यवस्था नहीं है। ये पहले अपने अस्पताल की तो व्यवस्था करें। अगर किसी की जिंदगी की इतनी चिंता होती तो ये आके जो और भी लोग बेरोजगारी से मर रहे हैं और चीज़ों से मर रहे हैं सब पे ये बोलना चाहिए इनको। रही इंश्योरेंस के नाम पे ये चालान ज़्यादा काटते हैं, इंश्योरेंस कंपनियों से इनका टाई अप है, असूली है, कमीशन है, पूरा देश भ्रष्टाचार का चरम सीमा पे भर गया है, इसी के चलते ये सारा चर है। जी, आप क्यों अर्थी बाबा अपना नाम रखे? आप कई जगह से मतलब कितने चुनाव लड़ चुके हैं अभी तक? मैं देखिए लगभग 10-12 चुनाव लड़ चुका हूँ। मैं लगभग 2 बार बनारस चुनाव लड़ा, मोदी जी के खिलाफ लड़ा। मैं वहाँ लखनऊ राजनाथ सिंह के खिलाफ लड़ा, पहले पर्चा मेरा खारिज करा दिया। मैं यहाँ लोकसभा में योगी जी के खिलाफ 2009 में मैं लड़ा। मैं 2 बार पिपराई चुनाव लड़ा हूँ, मैं 1 बार चौरी चौरा चुनाव लड़ा हूँ, 1 बार गोरखपुर के सदर विधानसभा से चुनाव लड़ा हूँ, तो और 3 बार मैं MLC चुनाव लड़ा हूँ, और आज ये मैं देवरिया चुनाव लड़ा। चुनाव हम इसलिए नहीं जीते कभी, कारण है कि जो राजनीतिक पार्टी ही कहीं कहीं चुनाव हमेशा जीतती आई है, ये क्योंकि हर पब्लिक की एक वो हो गया है, अधारणा हो गई है पार्टियों से जुड़ा हुआ। आम आदमी को वोट कोई नहीं देना चाहता है, इसीलिए इनका कभी सुविधाएं मिलती भी नहीं है। पार्टी में टिकट हमको देती नहीं है क्योंकि पार्टी हमेशा भ्रष्ट नेताओं को ही टिकट देती है। आपने कभी भी नहीं देखा होगा कि एक ईमानदार आदमी को कभी पार्टी टिकट देती है। जी, आप राजन यादव से अर्थी बाबा कैसे बन गए? देखिए, मैं अर्थी बाबा बन गया, कारण ये है कि मैं भ्रष्टाचार की अर्थी जब निकालना शुरू किया, लोकतंत्र की अर्थी निकालना शुरू किया, तो उसी समय पब्लिक ने ही मेरा नाम अर्थी बाबा रख दिया, क्योंकि मैं हमेशा जब अर्थी से चलने लगा, भ्रष्टाचार की अर्थी निकालने लगा, तो मेरा नाम अर्थी बाबा पड़ गया। अब जहाँ भी जाते हैं वहाँ अर्थी पे ही बैठ के जाते हैं? मैं देखिए, जहाँ भी कोई ऐसा कार्यक्रम करता हूँ तो मैं अर्थी पे ही बैठ करता हूँ। ये मेरे लिए शुभ भी है और ये परिकात्मक अर्थी भी है उस चीज़ की जो निकालना चाहता हूँ। मैं हमेशा शमशान घाट पे ही इसका मैं अनशन भी करता हूँ। मैं बहुत सारी चीज़ें अनशनें मैं देखा हूँ, नदी के किनारे ही, नदी में ही करता हूँ। कारण है कि मैं चाहता हूँ कि मैं हमेशा सत्य की लड़ाई लड़ता हूँ, तो अर्थी एक सत्य है। अर्थी पे बैठ के किसको आप संदेश देना चाहते हैं? हमारे देश के राजनेताओं को संदेश देना चाहते हैं या अधिकारियों को? मैं देखिए, अर्थी पे बैठ के मैं भ्रष्ट नेता और भ्रष्ट अधिकारियों को संदेश देना चाहता हूँ कि उन्हीं की अर्थी है। आप देवरिया से चुनाव लड़ रहे हैं तो देवरिया में आप कब पर्चा दाखिला करने वाले हैं और देवरिया की जनता को क्या करने वाले हैं, आप क्या करेंगे? देखिए, देवरिया बहुत पिछड़ा हुआ है। देवरिया क्या कोई भी काम हो तो सब भाग के गोरखपुर या लखनऊ ही जाते हैं, चाहे इलाज कराना हो चाहे कोई भी काम हो। देवरिया में ना तो कोई अच्छे स्कूल है, ना कॉलेज है, ना तो कोई अच्छा हॉस्पिटल है। वहाँ पे जो भी चीनी मिली थी वो तो बंदी हो गई हैं, ये बस एक चीनी मिल चली, वो टाइम से बकाया नहीं देती है। मैं वहाँ के किसानों के हर काम करूँगा जो किसानों की ज़रूरत है, जैसे किसानों के बोरिंग की ज़रूरत है, हर जगह नहरें नहीं हैं, नहरों की ज़रूरत है, वो सारे काम मैं करूँगा। उनको टाइम से जो भी पैसा मिलना चाहिए, जो गन्ना भुगतान है वो भी समय से दिलाऊँगा, जो पशुपालन में जो खामियाँ हैं उसको भी दूर कराऊँगा, उनके फ्री इंश्योरेंस कराऊँगा, और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं। मैं किसानों से, युवाओं को, सबसे बड़ी बेरोजगारी है क्योंकि देवरिया ऐसा जगह है, वो बहुत पिछड़ा जगह है, और देवरिया के लोग इतने बेरोजगार हैं कि भूखों मर रहे हैं। अब वो अपनी हालत किसको बताएं, नेता तो उसको कहीं दिखाता नहीं है, डायरेक्ट कभी मीडिया आम जनता से पूछ नहीं पाती है, क्योंकि सभी जगह फाउंडेशन लगा के रखा गया है। तो इसलिए मैं चाहता हूँ कि युवाओं का मुद्दा, किसानों का, मजदूरों का, सारे मुद्दे मैं उठाऊंगा। देवरिया में आप नामांकन किस तरह से करने वाले, क्या फिर दोबारा अर्थी पे ही बैठ के जाके नामांकन करेंगे? देखिए, हमेशा मैं अर्थी पे ही करता हूँ और हमेशा अर्थी पे ही करूँगा। मैं नामांकन हो या प्रचार भी, मैं अर्थी पे ही करूँगा। चलिए, धन्यवाद आपका। यह थे देवरिया के विधानसभा के एक प्रत्याशी राजन यादव अर्थी बाबा।
और भी मिलेंगे आपके देवरिया के पल पल की खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद। ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मिलते हैं फिर एक नई वीडियो नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।